हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताने जा रहे हैं होल नंबर के एक्सरसाइज 2.2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद लेके चलेंगे आपको हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी हैं क्वेश्चंस। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देते हैं। होल नंबर, होल नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, टेक एनी टू नंबर्स, एड देम, रिजल्ट ऑलवेज अ होल नंबर। एक कॉन्सेप्ट है, टेक एनी टू नंबर्स, एड देम, रिजल्ट ऑलवेज अ होल नंबर। मतलब कोई भी हम दो को होल नंबर को लेते हैं और उसको ऐड करते हैं तो वो रिजल्ट जो आएगा वो होल नंबर आएगा। जैसे 7 होल नंबर है, प्लस 8 होल नंबर है, इक्वल टू 15 अ होल नंबर। फॉर एग्जांपल 5 + 5 इक्वल टू 10 अ होल नंबर। 0 + 15 इक्वल टू 15, 0 भी एक होल नंबर है, 15 भी एक होल नंबर है, और 15 जो ऐड होके आया वो भी एक होल नंबर है, अ होल नंबर। इसके बाद मल्टीपल में देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर। Found to be whole number again। मतलब किसी भी दो नंबर का अगर हम मल्टीपल भी करते हैं वो भी एक होल नंबर होता है। 7 × 8 = 56 अ होल नंबर। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जस्ट यही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। 5 × 5 = 25 अ होल नंबर। 0 × 15 = 0 अ होल नंबर। कोई भी एग्जांपल लेते हैं तो किसी दो को अगर होल नंबर हम ले रहे हैं और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी करने पे होल नंबर ही आता है। इसको याद रखेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर एंड एडिंग ऑफ होल नंबर। चलते हैं अब क्लोजर प्रॉपर्टी की ओर। क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर सम मल्टीप्लीकेशन। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं, दोनों इसके अंदर आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी बस यही बताता है, जैसे कि
आपका डिवीजन हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये सब इसके अंदर नहीं आता है। देखिएगा उसमें कुछ मतलब फ्लॉप कर जाते हैं, मैं दिखाता हूँ थिंक एंड राइट में आपको। थिंक एंड डिस्कस में होल नंबर क्लोज अंडर डिवीजन, होल नंबर क्लोज अंडर डिवीजन, ये क्वेश्चन है। होल नंबर क्लोज, तो जैसे हम एग्जांपल थे 8 / 4 = 2, होल नंबर जैसे 5 / 7, तो 5/7, 5/7 नोट अ होल नंबर। ये देखिए ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 5/7 एक फ्रैक्शन नंबर हो जाता है, ये होल नंबर नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 6/5, 6/5 हो जाएगा, नोट अ होल नंबर, ये भी एक फ्रैक्शन हो जाता है इसलिए ये होल नंबर नहीं है। डिवीजन बाय ज़ीरो, डिवीजन बाय ज़ीरो (8/2), पहले मैं 8/2 करता हूँ, तो 2 से जब हम 8 में भाग देते हैं तो 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 4 बार, 2 4 8, ये कट जाएंगे, इसको 0 लिखता हूँ ताकि सबको समझ में आए, ये 0 हो जाएंगे। हमेशा आपको 0 करना होता है। इसमें एक कंडीशन और बताता हूँ कि जैसे 8 में मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 को मैं कितना बार 8 में सबट्रैक्ट कर रहा हूँ ये हमको पता करना है। 2 को मैं कितना बार 8 में सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो एक बार 2 को सबट्रैक्ट किया इन फर्स्ट टाइम 6, एक बार और किया ये हो जाएगा 4, एक बार और किया ये हो जाएगा 2, एक बार और किया ये हो जाएगा 4। हमने 4 बार इसको सब्ट्रैक्ट किए, 1 2 3 4, 4 times, तो ये पूरा 0 हो गया। जस्ट मैंने वही इसको यहाँ पे शॉर्टकट में बताया है जो कि आपको सीखने हैं, ये हो जाएंगे 4। काफ़ी आसान है। आपको मैं डिवाइड का कुछ और बताता हूँ, डिवाइड का कुछ और बता रहे हैं। 24/8 = 3, काफ़ी आसान है। इसमें मैं अब इसमें भी 24 से अगर 8 में मेरे को डिवाइड करना है, तो 24 में कितना बार 8 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 24 में 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम्स हुआ, कितना होगा 24 में अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 16, फिर 8 को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरा टाइम्स 8, फिर 8 को एक बार करेंगे तीसरा टाइम 0। आपको 0 करने हैं, कब तक 0 नहीं होता, 3 times में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 8 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 इसके आएंगे। अगर इस तरह भी आप निकालें, 24 / 8, 8 3 = 24, इस तरह भी निकालें वही आएंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने जैसे ऐसे बता रहा हूँ कि 24 में कितना बार 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना टाइम्स करेंगे जो कि 0 0 हो जाए। चलिए, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, इसका एक केस बता देता हूँ। जैसे 2/0, क्या ये डिफाइंड है? चलिए 2 में हम 0 से डिवाइड देते हैं, कितना भी भाग आप लगा दें ये नॉट डिफाइंड होंगे।
चलिए देखिए, अब अगर हम दो में हम जीरो को निगेट कर माइनस कर रहे हैं, फिर यहाँ पे दो आ जाएंगे इन फर्स्ट टाइम, फिर से जीरो कर रहे हैं, फिर यहाँ सेकंड टाइम में फिर से यहाँ दो आ जाएंगे, फिर से कर रहे हैं, तो ऐसे ही चलते जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये जो है ना इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी ये इनफाइनाइट हो जाएगा, सो इसलिए नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। चलिए कॉमेटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हो जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें निकालना है जैसे कि 3 प्लस 2 इक्वल 5, तो 3 में हम 2 को ऐड करते हैं, हम 2 स्टेप आगे बढ़े, 1 स्टेप 2 स्टेप, 3 प्लस 2 इक्वल 5। अगर इसी को हमको 2 प्लस 3 इक्वल 5, ये भी तो सेम कंडीशन है, सेम सेम आ रहा है दोनों डिजिट्स, तो हम 2 में अगर 3 स्टेप आगे बढ़े, तो फिर में हम 5 में आ सकते हैं, 1 2 3, 2 में कितना जोड़े 3, 2 में 1 2 3, 3 स्टेप 1 2 3, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी का आपको मल्टीप्लीकेशन की ओर चलते हैं लेके, इसका मल्टीप्लीकेशन की ओर लेके चलते हैं। फोर इंटू फाइव इक्वल टू 5 इंटू 4, ये भी एक सेम प्रॉपर्टीज है, जो कि 20 इक्वल 20, ये भी सेम सेम आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन और कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, होल नंबर के लिए कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वेरीफाई देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। Is not not commutative for whole number। एग्जाम्पल अगर देख लें तो 4 माइनस 2 इक्वल 2 माइनस 4, ये तो 2 आ जाएंगे बट ये -2 आ जाएंगे, तो ये कभी कम्यूटेटिव नहीं होंगे, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, अब समझ रहे हैं काफ़ी अच्छे से इसको। और डिवीजन की जहाँ बात रहती है, तो डिवीजन भी आपको करके देखते हैं, डिवीजन भी इसको फॉलो नहीं करता है। डिवीजन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ मैं, फर्स्ट ये थे, सेकेंड में आपको डिवीजन दिखाता हूँ। 6 डिवाइडेड बाई 3 एज सेम एज
थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ये डिवाइडेड करने सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स इज नॉट इक्वल, ये टू टू हो जाएंगे, बट ये कुछ डिफरेंट आ जाएंगे यहाँ पे, थ्री इसमें डिवाइड दिया जाएगा तो ये आ जाएंगे थ्री का हाफ, थ्री को अगर सिक्स टाइम में डिवाइड कर दिया जाए तो थ्री बाई सिक्स आ जाएंगे, ये वन बाई टू, वन बाई टू हो जाएंगे, तो ये टू और वन बाई टू दोनों कभी इक्वल होंगे नहीं, इसलिए ये भी फॉलो नहीं करता है। चलिए अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ओर लेके चलते हैं आपको, हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको हम टू प्लस थ्री प्लस फोर इक्वल फोर प्लस फाइव बराबर नाइन, बी नंबर टू प्लस थ्री प्लस फोर इक्वल टू टू प्लस सेवन इक्वल नाइन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होते हैं कि पहला ए प्लस पहला, जैसे कि दो डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें सेकेंड दो डिजिट को ऐड करना है, बीच वाला कॉमन हो जाता है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम आते हैं जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एट द नंबर टू थ्री फोर 197 एंड 103, टू थ्री फोर को ऐड करना है इतना और इतना में 197 प्लस 103, टू थ्री फोर प्लस 197 प्लस 103 बराबर कितना होते हैं 300, और ये हो जाएंगे 534, काफी आसान है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम, ऑफ मल्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के लिए, पहला हो जाएंगे टू मल्टीप्लाई थ्री इंटू फोर इक्वल हो जाएंगे सिक्स इंटू फोर इक्वल टू 24, सेकेंड हो जाएंगे टू इंटू थ्री इंटू फोर टू इंटू 12 इक्वल टू 24, ये भी काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इसलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे कर लेते हैं, फाइंड 14 प्लस 17 प्लस 6 इन टू वेज, दो तरीके से इसको जोड़ना है, जोड़ देते हैं 14 प्लस 17 को पहले जोड़ते हैं हम, बाद में 6 को जोड़ते हैं, 14 प्लस 17 को अगर पहले जोड़ते हैं तो 31 प्लस 6 कर देते हैं, 31 प्लस 6 इक्वल टू 37, और 14 प्लस 17 प्लस 6 हो जाएंगे 14 प्लस 23 इक्वल 37, काफ़ी आसान है। अब आपको चलते हैं लेकर के हम एक थिंक डिस्कस एंड राइट की ओर, काफ़ी अच्छा है, थिंक डिस्कस एंड राइट में क्या होता है, कभी कभी कुछ अलग केसेस मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, तो उसमें आपको कुछ कंडीशन आपको पता चलता है कि इस कंडीशन में यह नहीं होगा, इस कंडीशन में यह नहीं होगा, तो थिंक डिस्कस एंड राइट में
think and discuss. 16 divided by 4 and divided by 2 equal कितना हो जाएंगे? तो सबसे पहले 16 divided by 4 देते हैं, 4 हो जाएंगे, अब 4 divided by 2 देते हैं, ये हो जाएंगे 2. एंड इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि इसको मैं इक्वल कर सकूँ. एक हो जाएगा 16 divided by 4 divided by 2, तब तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. तीन हो जाएंगे 4 divided by 2 इक्वल हो जाएंगे 16 divided by 2. 4 divided by 2 इक्वल टू 2 और 16 divided by 2 इक्वल टू 8, ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये दोनों इक्वल ये फॉलो नहीं करता है. देयर इज नो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, देयर इज नो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. देयर इज नो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. चलिए एक और देख लेते हैं. दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. सिक्स गुना 5 + 3 इक्वल टू 6 × 5 + 6 × 3. इसको मैंने बस डिस्ट्रीब्यूटिव पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 6 × 5 और 6 × 3, 6 × 5 और 6 × 3 और ऐड है बीच में ऐड. मैं इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है. ये भी काफ़ी आसान है, आपको देखिए एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ. ये हो जाएंगे 6 × 5 = 8 इक्वल 30 + 18 और 8 × 6 = 48 और ये भी हो जाएंगे 30 + 18 = 48. ये काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये काम कर रहा है. सिमिलरली यू विल फाइंड दैट, इस तरह सिमिलर क्वेश्चन आप खुद फाइंड कर सकते हैं. जैसे एक हम फाइंड करते हैं, फाइंड 12 × 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिवली. तो ये हो जाएंगे 12 × 35 = 12 × 30 + 5. इनको भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये हो जाएंगे 12 × 30 और + 12 × 5. सेम एज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये हो जाएंगे 360 + 60 = 420. और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे ये 420. इसी में एक अगला देख लेते हैं. फर्स्ट सेकेंड 126 × 55 + 126 × 45 = 126 × 55 + 45. इसको भी हम कर लेते हैं. 126
multiply by 55 or plus 126 multiply by 45. मैंने अलग अलग कर लिया, इसको ऐड करने के बाद 126 00, ये देखिए 126 से 55, 126 से 45, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया। काफ़ी आसान है, आप भी कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.1 चलते हैं हम। काफ़ी सारी बातें हो गई, यहाँ से अब चलेंगे हम एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 2.1, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे जितने भी इसके प्रॉपर्टीज़ थे, जितने भी जैसे ट्रायड्स थे, सारे तो आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। फाइंड द सम मै सूटेबल रीअरेंजमेंट, फाइंड द सम, फाइंड द सम मै सूटेबल रीअरेंजमेंट। पहला नंबर है 837 प्लस 208 प्लस 363, जिसको करते हैं 837 प्लस 363 प्लस 208, तो ये दोनों को मैंने पहले बाहर कर लेना है। अगर ऐड करते हैं तो 1200 प्लस 208 ये हो जाएंगे 1408। एक रीअरेंजमेंट करके मैंने इसको ऐड किया है, पहले दोनों को अरेंज किया है ताकि मुझे आसान हो जाए, आसान होकर 1200 आया और 208 काफ़ी आसान है। 1962 प्लस 5, सॉरी क्वेश्चन है 453 प्लस 1538 प्लस 647, ये भी काफ़ी आसान है। 1962 और प्लस 1538 को ऐड करते हैं पहले, या फिर 453 प्लस 647 ऐड करते हैं बाद में। ये दोनों ऐड करने के बाद हो जाएंगे 3500 और प्लस 1100, ये हो जाएंगे आपका 4600, ये भी काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। पहला क्वेश्चन है 2 का a 2 × 1768 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हो जाएंगे 2 × पहले इसको 2 × 50 कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 1768, इधर कर देते हैं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1768 00, काफ़ी आसान है। पहले दो किसी एक को अलग कर लेने हैं जो जिससे कि हमको आसान हो जाए। 2 × अगर 50 करते हैं काफ़ी आसान है, 2 × 50 बराबर 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 1768 हो जाएंगे 1768 00, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएंगे 4 × 166 मल्टीप्लाई बाई 25, ये भी काफ़ी आसान है। देखिए 4 × और हम 25 करते हैं अलग से और मल्टीप्लाई 166 कर देते हैं, काफ़ी आसान हो जाएंगे। 4 × 25 100 और 166 ये हो जाएंगे 1660। सी नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप तो घर में आसानी से इसको कर सकते हैं बिना बताए 291, फिर भी मैं करा देता हूँ 125, ये हो जाएंगे 8 × 125 मल्टीप्लाई बाय 291, टी हो जाएंगे 8 से अगर 125 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1000 डिवाइडेड बाय 291 291 000, ये भी काफ़ी आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी में है
625 मल्टीप्लाई बाय 279 मल्टीप्लाई बाय 16 ये हो जाएंगे आपका 625 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 279 तो 625 में अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 हो जाते हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 279 पे 1 2 3 4 ये हो जाएंगे 279 40 अब चलते हैं ई नंबर में 285 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60 ये भी काफ़ी आसान है तो हम पहले कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 285 तो ये हो जाएंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 285 तो ये आपके आंसर निकल के आ जाएंगे 85500 एफ नंबर चलते हैं आपको हम 125 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25 ये हो जाएंगे 125 मल्टीप्लाई बाय 8 125 मल्टीप्लाई बाय 8 मैंने यहाँ निकाला था 1000 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 40 × 25 1000 × 25 25 × 14 अगर किया जाए ये हो जाएंगे 1000 ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 0 काफ़ी आसान सब क्वेश्चन थे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और 2.1 के जितने भी क्वेश्चंस अगर बताएं आपको हम आपको अगर अच्छे से समझ में आया अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें थैंक यू